हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, एकदम कड़क होंगे। तो यार आज आप लोग मेरे पीछे देख ही सकते हो और समझ गए होंगे शायद से। तो अभी सुबह के 7-8 बज रहे एंड हम आए हैं मुंबई मरीन लाइंस, मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया देखने के लिए एंड ऐसा ही घूमने के लिए। आज ही सैटरडे, तो हमारा कल रात को ही प्लान बना था एंड आज सुबह हम लोग निकल गए 6 बजे। तो चलिए आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो चलिए हम भी थोड़ा सा जॉगिंग कर लेते हैं। आप लोग हेडफोन पहन लीजिए और इन्जॉय कीजिए। यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ। तो क्यों आए हैं, कैसे आए हैं एंड कब आए हैं, इन सब सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा। सबसे पहले हम पहुंचते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। तो यार फाइनली हम पहुंच चुके हैं गेटवे ऑफ इंडिया। आप मेरे पीछे देख ही सकते हो, यहाँ पर टिकट ले रहे एलिफेंटा केव, एलिफेंटा केव के लिए, मतलब जाने के लिए। एलिफेंटा केव की टिकट 260 रुपये पड़ी हमको। यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो कुछ पिक्चर है वो आप देख सकते हो। एसआई पे कोई भी फोटो लेने का नहीं, एसआई पे ले सकता है और चिड़िया को कुछ भी खिला नहीं सकता है। तो सामने आप देख सकते हो बहुत सारे शिप्स, ताज होटल और गेटवे ऑफ इंडिया है। तो अभी यहाँ से हम रवाना हो रहे हैं एलिफेंटा आइलैंड के लिए। आपने अभी तक हेडफोन नहीं लगाया तो लगाइए, उसके बिना मजा नहीं आएगा। एंड आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए इस सफरनामे को वर्चुअली इंजॉय करने। पहाड़ दिख रहे हैं वो है एलिफेंटा आइलैंड। तो स्वागत है आपका एलिफेंटा आइलैंड पर। तो यहाँ से अभी हमें 200 सीढ़ियाँ चढ़ के मेन केव तक जाना होगा। तो चलिए सफर को आगे बढ़ाते हैं। लोगों के छोटे मोटे दुकान। तो फाइनली हम एलिफेंटा केव के पास पहुंच चुके हैं एंड यहां से हमें टिकट खरीदनी होगी जो कि पर पर्सन 40 रुपये है। यहां पर इस केव के बारे में इंफॉर्मेशन बताई गई है जो कि हिंदी, इंग्लिश और मराठी तीनों लैंग्वेज में है। इस आइलैंड पर बहुत सारे फॉरेनर टूरिस्ट भी आए हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हो।
यहाँ पर भी वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए बनाया। इसी बात पर ठोको लाइक। यहाँ पर चल रही है हमारे भाइयों की सेल्फी। ये जो आप देख रहे हो ये है अंग्रेजों के समय का तोप। ऐसे ही दो तोप इस आइलैंड पर मौजूद है एंड दोनों के अंदर दोनों का जो डिस्टेंस है वो है करीब 100-150 मीटर होगा एंड दोनों ही आपस में एक दूसरे से एक सुरंग से कनेक्टेड है। एलिफेंटा आइलैंड एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।